हाय गाइस नमस्कार। आज का वीडियो है कुछ हेल्थ टिप्स के बारे में। सुबह सुबह बना रही हूँ बड़ा ये। आज मैं आप लोगों से एक हेल्थ टिप शेयर करूँगी उन लोगों के लिए जो अपना वेट मैनेज करना चाहते हैं या लूज़ करना चाहते हैं। जो जिनको मेंटेन करना हो वो भी ये फॉलो कर सकते हैं, और जो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं वो तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और जो मैं बता रही हूँ, अगर आप वो उसको थोड़ा सा भी अच्छा ढंग से अगर उसी हिसाब से फॉलो कर लें तो मेरा दावा है कि आप 10 से 15 दिन में काफ़ी हद तक अपने वेट को मैनेज या लूज़ कर सकते हैं। मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है, मैं खुद अपने ऊपर कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बता रही हूँ कि आप ये कर सकते हैं। पर हाँ, थोड़ा आपको इसमें मेंटेन खुद को करना पड़ेगा। जैसे कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज की टिप्स है क्या। आज की टिप्स ये है कि सुबह खाली पेट आपको जीरा और सौंफ का पानी पीना है। उसको जीरा और सौंफ को आप पहले रात को भिगा दें पानी में, और सुबह उठ को उसको अच्छे से खौलाएं। इतना खौलाएं कि आपका वो जो पानी हो, वाटर, वो पूरा ग्रीन हो जाए। और अगर आप भूल जाएं उसको भिगाना, बाय चांस मैं भी कभी कभी भूल जाती हूँ और ज़्यादातर भूल ही जाती हूँ, तो मैं सुबह उठ के उस पानी में देके उसको बहुत थोड़ा देर तक, ज़्यादा देर तक खौला देती हूँ। और उसको खौलाने के बाद उस पानी को आपको छान लेना है, और आपको गरम गरम, मतलब आप जितना गरम पी सकते हैं, जितना गरम पीने की आपकी कैपेसिटी हो आप उसको पिए, और जितना आप पी सकते हैं, एक गिलास, डेढ़ गिलास, दो गिलास तक जितना आप पी सकते हैं आप उतना वो पानी ज़रूर पिए सुबह खाली पे। पहले बहुत लोग कहते हैं कि नींबू डाल के पीने से भी वेट जल्दी असर होता है। हाँ, होता है, पर सबके लिए नींबू का पानी लेना पॉसिबल भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी एलर्जीज भी हो जाती हैं। किसी किसी को सर्दी वगैरह की एलर्जी होती है, साइनस का प्रॉब्लम हो जाता है, इस वजह से वो नींबू का पानी नहीं ले पाते हैं। मैं भी नहीं ले पाती। अगर मैं सुबह नींबू का पानी पी लूँ तो दिन भर थोड़ी माथा मेरा धरा हुआ रहता है और दांत एकदम पूरे ही खट्टे हो जाते हैं, फिर मैं कुछ भी दिन भर खा नहीं पाती हूँ, तो इसलिए नींबू पानी मैं नहीं लेती। पर ये जीरा और सौंफ का पानी आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, सो आप ज़रूर लेना शुरू करें। अगर आपको अपने वेट पे, अपने फिगर पे, अपने आप पे थोड़ा सा भी ध्यान हो तो। और ये उन लेडीज़ के लिए भी है और जेंट्स के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ के लिए है। और भी आगे मैं इस तरह के टिप्स बहुत सारे बताऊंगी, क्योंकि है कुछ थोड़ा थोड़ा जो मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है, तो उस बारे में भी बताऊंगी। और आपको खाने पीने में भी क्या थोड़ा बहुत, मतलब कौन सा खाना है, कौन सा नहीं खाना है, कितना खाना है, ये सब भी मैं आगे फिर बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको अपना जीरा और सौंफ का पानी दिखा दूँ। चलिए फिर। पानी मैंने पहले से चढ़ा दिया था, पानी तो गर्म ही हो गया है क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी और पानी चढ़ा दिया था तो वो खौल गया। एज़ यूजुअल मैं आज भी भूल गई हूँ कि जीरा फूलने देना था, तो मैं ऐसे ही इसमें एक चम्मच जीरा डाल देती हूँ और उसी हिसाब से सौंफ थोड़ा सा कम ही डालूँगी। जीरा एक चम्मच डाला तो सौंफ में आधा चम्मच डाल दी। बस अब इसे खौलने देते हैं। पानी बिल्कुल मेरा खौल रहा है एकदम, और कलर भी देखिए पूरा चेंज हो गया है, जैसे ग्रीन टी के कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये हो गया है। अब मैं इसको गैस बंद कर सकती हूँ। गैस बंद कर दिया और अब पीना है इसे तो छानना पड़ेगा। छान लेते हैं इसको। मैं छान लेती हूँ, पानी थोड़ा ज़्यादा है, मैं इतना पी नहीं पाऊँगी। कोई बात नहीं, अगर पानी ज़्यादा हो जाए इसको फेंकना नहीं है, बाद में भी पी सकते हैं, बाद में भी आप उसको पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं थोड़ा ठंडा मिलाऊंगी और पीऊँगी। ये मैंने मिलाया, लेकिन आप ये भी थोड़ा सा ठंडा करके थोड़ी देर बाद पी सकते हैं, पर मैं थोड़ा ज़्यादा पीती हूँ तो थोड़ा ठंडा मिला के लगभग दो ग्लास के लगभग मैं पी लेती हूँ सुबह ही। वाटर मैं पीऊँगी, गर्म है तो आप ऐसे ही पीजिए इसको, गर्म है, थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें और जितना गर्म पी सकते हैं, एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, जितना हो
उतना आप पी सकते हैं। तो मैं अपना पानी ख़त्म करूँगी, आप लोगों को पहले बाय बोल लूँगी, उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हेल्थ टिप्स के बारे में आपको और भी मेरे से बहुत कुछ अगर जानना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में मुझे कमेंट भी करें, तो मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी और घरेलू तरीका ही बताऊंगी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। सो थैंक यू बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब।